ओ माय गॉड, कमर गई टूट। अनाउंस करता हूँ कि मैं 23 अक्टूबर को बर्थडे है, क्या है बर्थडे है, तो एडवांस में आप लोग मुझे अच्छी अच्छी विशेस दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आज का गाइज वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अपना मैं खुद का एक्सपीरियंस आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट में प्लीज़ वीडियो जो है पूरा देखिएगा। ओके आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ किया करिए। आज मेरे पापा जी आए थे खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर, उसमें देखिए खोआ भी लेकर आए हैं। अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बताइए क्या बनाऊँ। अंश क्या खाओगे बताओ, क्या बनाऊँ? और लीजिए आप लोग भी गुजिया खा लीजिए, अभी खोए का तो कुछ नहीं बना है, ऐसे ही खा लीजिए आप लोग खोआ। हे फैम, गुड मॉर्निंग, मैं अंश की मम्मी, और बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, मस्त हैं, बढ़िया है, मैं तो ठीक हूँ, मस्त हूँ, और चश्मा लगा के और मस्त हो जाऊँगी। एक्चुअली गाइज अब मुझे चश्मा लगा के रखना है, बिकॉज डॉक्टर बोले हैं 80% बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है, रियली मिल रहा है इससे, और 20% मेडिसिन से। तो मैं इसको कैसे लगाऊँगी? ऑल टाइम सिलाई कढ़ाई बुनाई और मोबाइल टीवी देखते टाइम तो 100% लगा के रखना, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे लगाऊं। लगाने के बाद ऐसे जब मैं लगा ले रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कोई भारी सा चीज़ मेरे सर पे रख दिया गया है, बहुत भारी सा चीज़, मुझे अजीब अजीब दिखने लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, हैबिट्स में हो जाएगा तो ठीक है, एंड अभी स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आज 1 घंटे, कल 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे करके ना मैं इसको अपना दोस्त बना लूँगी। ठीक है, तुमको मैं अपना दोस्त बनाने वाली हूँ। अब तो गाइज यही है, चश्मे तो मुझे बहुत पहले लग गए थे, बहुत पहले, आई थिंक मैं 10th या 12th में पढ़ रही थी ना, उसी टाइम मुझे चश्मे लगे, बट मैं लगा नहीं रही थी, कभी कभी लगाती थी बीच में, और उस टाइम मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। पर क्यों दर्द कर रहा था? हाँ एक्चुअली गाइज ना, एक जन ने मुझे बता दिया कि 10th और 12th के स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो अगर जो फेल हो जाता है ना, उसका दोबारा एडमिशन नहीं होता है, उसको क्लास रिपीट करनी पड़ती, पता नहीं क्या क्या बोल दिए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना वो डर गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, उसी टाइम से मेरा सर दर्द कर रहा, नहीं उसी टाइम से नहीं, मतलब बीच में ठीक हो गया था, और उस टाइम जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो उस टाइम मेरा सर दर्द हो रहा था, फिर चश्मा लगा तो फिर ठीक हो गया था, और फिर इस टाइम स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ना इस टाइम जो है ना, मैं टेट का फॉर्म भरी हूँ, उसके लिए 2 घंटा पढ़ना हो जाता है, फिर उसके बाद मोबाइल, मोबाइल तो देखना कंपल्सरी हो गया है, 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल, मोबाइल ही एक है सर का दर्द का जरिया, मोबाइल टीवी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं क्या, और तभी से मैं डर गई थी। और जो अंकल मुझे बोले थे कि बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है, उस अंकल का मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि वो जो है मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किए, और मैं उस टाइम ना टॉप की थी, हाँ यार रियली मैं उस टाइम टॉप की थी 10th 12th में, और मेरा नाम जो है पेपर में आया था। अरे वाह, क्या टाइम था यार मेरा भी, अब क्या बताएं। और देखिए क्या है, बताइए क्या है, किस चीज़ की सब्जी है? मैं बताती हूँ किस चीज़ की सब्जी है, सूरन की सब्जी। आज हमारे यहाँ नाश्ते में सूरन की सब्जी और एक कचौड़ी बना है, और यहाँ है बुनिया। एक्चुअली गाइस ये हमारे कुंडी में हुआ था भंडारा, तो वहाँ बहुत सारा बुनिया बच गया था, तो वहीं का आया हुआ है, प्रसाद है माता रानी का, आप लोग भी खा लीजिए। और आज जो है माता रानी चली जाएंगी गंगा जी में, और आ भी रहा है उधर से माता रानी, आ भी रही हैं। I love you, 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 I love
के लोग हमसे छुपावत न जाइए, अखिया के लोग हमसे अखिया के लोग हमसे छुपावत न जाइए, अखिया के लोग हमसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो। प्रसाद लिए कि नहीं लिए? तो हंस, अच्छा इधर लेकर आओ मोबाइल, इधर लेकर आओ। कल तो भयंकर वाली बारिश हुई थी, बारिश की वजह से देखो पेड़ जो है सारा मिर्चा का, और मैं यहाँ देखिए गाइस कब से मिर्चे तोड़ रही हूँ और इतना सारा मिर्चा निकला। कितना होगा पता नहीं, कितना होगा, उतने सारे पेड़ में सिर्फ इतना निकला। कितना होगा अंश? 3 या 4 किलो होगा। नहीं ज़्यादा बता दिए, अभी आइडिया नहीं है, मतलब 1-2 किलो होगा। यही है सीक्रेट जो मैं बताने वाली थी, एकदम घरेलू। और देखिए ये है एलोवेरा, और इतना बड़ा एलोवेरा हो गया है कि गमले से बाहर निकल गया है। इसको मैं काट ली, अब काटने के बाद मैं इसके ऊपर का छिलका हटाऊंगी। हट जाओ, हाँ हट गया। अब इसके अंदर का जो मटेरियल है मैं ऐसे चाकू करके ऐसे 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 हाँ पूरा निकाल लूँगी। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही आपको लेना है एलोवेरा और ऐसे ही निकालना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मैं बताने वाली हूँ एलोवेरा और मेहंदी, जो पत्ती वाली मेहंदी आती है उसको लेना है आपको। और करना देखिए क्या है, एलोवेरा निकल गया और पत्ती ले लेना है मेहंदी वाला, और उसको पीसना है। पानी नहीं डालना है आपको, पानी की जगह आपका डालना है एलोवेरा, एलोवेरा का जो जूस है उसी को डालकर पीसना है। तो यहाँ देखिए मैं पीस रही हूँ, पीस जा जल्दी पीसो, जल्दी पीसो। और इसको मैं अपने बाल में अप्लाई करूँगी। इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको लगाने के बाद ना बाल एकदम सिल्की से हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे ना कि आप संभाल नहीं पाओगे। सच में बता रही हूँ, इतना ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं कि पूछो ही मत। एलोवेरा तो बाल के लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्व और आपके पूरे बालों को कंडीशनिंग कर देता है, सही बता रहे हैं। और इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने बालों को हेयर लाइन, कान, गर्दन पर ना थोड़ा सा तेल लगा लेना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि अगर मेहंदी लगाते टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत लग भी जाएगा ना तो लाल नहीं होगा। ठीक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या बेनिफिट रहा। ओके, ठीक है ना, आप अपनाओगे ना और बताओगे। देखिए मेहंदी लगाने में मेरे हाथ का क्या हाल हुआ, मेरा हाथ लाल हो गया, लाल हो गया बिना मेहंदी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए। मैं मिलता हूँ अपने बर्थडे पर। बाय बाय गाइस, लव यू।